कांग्रेस ने जीएसटी के मुद्दे को लेकर आज मोदी सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रों को संबोधन की तुलना शोले फिल्म के खलनायक गब्बर सिंह के मशहूर संवाद कितने आदमी से थी की। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां एक रैली में कहा, जब गब्बर सिंह ने बोला कि कितने आदमी थे तो लोग डर गए, और अब जब मोदी मित्रों कहते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। उनके इस बयान से कुछ दिनों पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। सुरजेवाला ने कहा, खेती पर 18% कर वसूला जाता है और 12% कर कृषि उपकरणों पर लिया जाता है। किसान हमारा पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको कर से छूट मिलनी चाहिए, इसलिए राहुल ने गब्बर सिंह टैक्स कहा। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि जीएसटी को जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा गया है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।